Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू में असम राइफल्स के पहुंचने की खबर अब पक्की हो चुकी है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर में असम राइफल की पोस्टिंग को लेकर के मिल रही है। खबर मिल रही है कि अकेले जम्मू में असम राइफल्स की 2 बटालियन तैनात की जाएंगी। भारत सरकार ने जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए ये फैसला किया है। जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि सुरक्षा ग्रिड को अब और मजबूत किया जाए। इसके लिए असम राइफल्स की 2 बटालियन जम्मू क्षेत्र में शिफ्ट की जाएंगी। बता दें, मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियन अब जम्मू क्षेत्र में शिफ्ट की जा रही है। हाल ही में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए जम्मू क्षेत्र में 3000 अतिरिक्त सेना जवान और 2000 बीएसएफ कर्मियों को भी तैनात किया गया था। यानी जम्मू रीजन में 5000 अतिरिक्त सैन्य कर्मियों के अलावा पहले से भी बीएसएफ और भारतीय सेना के जवान मौजूद थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्सेस भी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यहां पर पहले से मौजूद थी, जिनकी संख्या बल में भी इजाफा किया गया है। और अब इनके साथ साथ असम राइफल्स की भी 2 बटालियन जोड़ी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक लगभग 40 से 50 ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी डोडा, रजौरी, पूंछ, उधमपुर और कई स्थानों के ऊपरी इलाके में छिपे हुए हैं। लिहाजा जम्मू क्षेत्र में प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में भारतीय सुरक्षा बल मौजूद हो। आतंकी इस समय ऊपरी इलाकों में मौजूद है, लिहाजा उन तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या चाहिए। ऊपरी इलाके तक पहुंचने में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारतीय सुरक्षा कर्मियों की खुद की पोजीशन निचले इलाकों में होगी। तो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि एक पूरे तय अभियान के साथ आतंकियों को घेरा जाए, निशाना बनाते हुए आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती। यही कारण है कि ये पूरा प्लान तैयार किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि सीमा पार से घुसपैठ जो हो रही है वो एक विषय है, इसके साथ ही लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं, वो ना हो इसे पक्का करने के लिए बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों को भी मोर्चा संभालने के लिए तैनात कर दिया गया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी को पद से हटा दिया था। ये कड़ी कार्रवाई इसलिए ली गई क्योंकि जम्मू में आतंकी हमले बढ़े और अब नए सिरे से नए प्लानिंग के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घेरने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।